हेलो दोस्तों वेलकम टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग अपनी यात्रा को न्यूमेरिकल की यात्रा जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ स्कोसिटी के जो कुछ न्यूमेरिकल्स है अलग अलग टाइप का आज करेंगे आज जो दो न्यूमेरिकल है वो थोड़े अलग टाइप के हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि इसको लास्ट तक देखिएगा और अपना हंड्रेड परसेंट लगा के देखिए क्योंकि ये कन्वेंशनल वाले नहीं है आ, हम लोग इस लेक्चर में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आधारित रहेंगे कितने आप प्रैक्टिस करते आगे स्टार्ट तो ये न्यूमेरिकल जो है ना वो थोड़ा अलग है अभी तक जो हमने देखे उसमें से अलग क्या है वो आप खुद जान जाएंगे पास्कल fluid, एक fluid दे है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कसिटी आपको दिया हुआ है फॉर सच अड फॉर द फ्लो ऑफ सच अड ओवर अर्फेस ओवर अ फ्लैट सॉलिड सरफेस द वेलॉसिटी एट एनी पॉइंट y मीटर्स अवे फ्रॉम द सर्फेस इज गिवन बाई u इक्वल्स टू थर्टी वाई माइनस टू हंड्रेड वाई अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या डिस्ट्रीब्यूशन की कोई फंक्शन नहीं दे रखा था इस पर्टिकुलर केस में आपको दिया हुआ है कि u जो है वो इस तरह से y के रेफरेंस से वेरी कर रहा है और ये लीनियर नहीं है अभी तक हमने जो भी कर रहे थे वी वर अज्यूमिंग अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर y का स्क्वायर आ गया मतलब पावर टू भी आ चुका है तो मतलब दिस इज नो मोर अ लीनियर इक्वेशन ठीक है अब इससे कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा जिसने भी आगे वाले लेक्चर देखे हैं उनको थोड़ा क्लिक हुआ होगा दिमाग में कि अभी हम लोग यहाँ पर डी यू बाई डी वाई जो है वो अलग अलग लेयर पर अलग अलग हो सकता है इट कैन नॉट बी ओनली अ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल दी वाई अगर ये हुआ मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग फ्लूइड लेयर पर आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो बदल सकती है चेक करते हैं आगे क्या होता है कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस एट दॉलिड बाउंड्री मतलब जो प्लेट है वहाँ पर एट पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम एम फिफ्टी एम एम एंड सेवेंटी फाइव एम एम अवे फ्रॉम दॉलिड सरफेस मतलब यहाँ पर एक कहा गया है आपको अलग अलग लेवल्स पे आप स्ट्रेस फाइंड करने की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो पहले तो क्या दिया हुआ है वी हैव बिन गिवन अ सॉलिड फ्लैट प्लेट जो कि जिस तरह से है इसके ऊपर से फ्लूड का फ्लो हो रहा है और आपको दे रखी है कुछ प्रोफाइल uh, जो कि है यू इक्वल टू थर्टी वाई माइनस टू वन वाई और ये क्योंकि लीनियर नहीं है इसीलिए कुछ कॉ मैंने ड्रॉ किया रैंडम कॉ अब क्या बोला गया है आपको कि फाइंड आउट दी शेयर स्ट्रेस एट द बाउंड्री मतलब ये वाई इक्वल टू जीरो पे देन वी नीड टू फाइंड शेयर स्ट्रेस एट वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एम एम पे देन वी हैव टू फाइंड शेयर स्ट्रेस एट द लेयर ऑफ वाई इक्वल टू फिफ्टी एम एम जो कि बाउंड्री फिफ्टी एम एम पे और फाइनली हमको बोला गया कि सेवेंटी फाइव पे आप कीजिए ठीक है सेवेंटी फाइव पे ये वाले लेयर पे तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप आ, कुछ गिवन डेटा लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करता है डेटा गिवन क्या है विस्कोसिटी मुझे दे रखी है म्यू इज जीरो पॉइंट जीरो फोर एट पासकल सेकेंड जो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में ही है दर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्जन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन टू मी इज जीरो पॉइंट नाइन वन थ्री आपको यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई ऑलरेडी दे रखा है जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं और आपको अलग अलग वाई पे वैल्यूज फाइंड करनी है टाव की अलग अलग वाई पे आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बुला हुआ है तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन यू क्या दिया हुआ है मुझे यू इज इक्वल टू थर्टी वाई माइनस टू हंड्रेड वाई स्क्वायर अब अगर चेक करेंगे हम लोग पहले अगर मुझे टाव की बात करेंगे तो टाव इज़ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई अब देखिए मुझे टाव चाहिए पहले तो y इक्वल टू जीरो पे दूसरा वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एम पे फिर 50 एम mm एम पे फिर 75 फाइव mm एम पे तो जब अलग अलग टाव की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए अलग अलग लेवल पे म्यू तो प्रॉपर्टी है फ्लूड का तो वो अलग अलग लेयर पे म्यू तो एक ही रहेगा बिकॉज आपका फ्लूड फिक्सड है तो म्यू इज़ कॉन्स्टेंट तो क्या बदलेगा अलग अलग लेयर पर यह बदल सकता है डी यू बाई तो पहले हम डी यू बाई क्या है फाइन कर लेते हैं तो मुझे यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है कैन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई येस अगर मैं वाई के साथ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों साइड में तो डी यू बाई डी वाई मुझे मिलेगा लेफ्ट साइड में थर्टी वाई थर्टी कॉन्सेंट बाहर ले लूंगा वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन तो खाली थर्टी आएगा भाई आई होप कि आपको डिफरेंशिए थोड़ा बहुत पता है अगर नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोज आप लोग देख लीजिए टू हंड्रेड इंटू वाई स्क्वेयर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टू वाई तो टू वाई तो इसका हुआ टू हंड्रेड तो एज इट इज तो टू इंटू टू हंड्रेड हो जाएगा फोर हंड्रेड तो ये फोर हंड्रेड भाई अब अगर आप चेक करेंगे डी यू बाई डी वाई जो है ना अभी तक में हम लोग खाली वी बाई एल यूज करते थे उसमें वाई कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था यहां पर वाई का टर्म आ रहा है इसका मीनिंग ये है कि डी यू बाई डीवाई जो है अलग, अलग अलग वाई पे अलग अलग है तो जब मुझे टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है वाई जीरो में तो आपको दियू दियू जो कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट करना कहावल टू जीरो पे कैसे यहां पर वाई जीरो इस इक्वेशन में लगा दो आपको मिल जाएगा ठीक है तो अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे प्लग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टाउ इन जनरल विल बी इक्वल्स टू म्यू इन ब्रैकेट थर्टी माइनस फोर हंड्रेड वाई थर्टी माइनस फोर हंड्रेड वाई अब मुझे चाहिए टाव इक्वल्स टू टाव की वैल्यू वाई इक्वल टू जीरो मीटर पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा म्यू म्यू की वैल्यू में सब्सिड कर दूंगा क्या है यहाँ पे मेरे पास म्यू की वैल्यू आई हैव द वैल्यू ऑफ म्यू म्यू की वैल्यू मेरे पास है जीरो पॉइंट जीरो फोर एट जीरो पॉइंट जीरो फोर एट इंटू थर्टी माइनस फोर हंड्रेड इंटू ज़ीरो तो आपका ज़ीरो चला गया पूरा तो ये आंसर आपका क्या आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट इंटू थर्टी पॉइंट ज़ीरो फोर एट इंटू थर्टी ये हो गया वन पॉइंट फोर फोर पासकल्स दिस इज टाउ एट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो मीटर या जीरो एम एम कह लो आप आंसर नंबर वन ये जो आप यहाँ पे बात कर रहे थे सॉलिड बाउंड्री पे ठीक है आंसर वन नेक्स्ट आई वॉन्ट टाव एट वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एम के डिस्टेंस पे अब ट्वेंटी फाइव एम मुझे यहाँ पर वैल्यू मीटर में ही रखनी है बिकॉज आपने देखा इक्वेशन जब बनाएंगे तो आपने बोला है कि वाई जो है वो किस में है मीटर्स में है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 25 फाइव mm एम को मीटर में करूंगा तो क्या आएगा 0.025 पॉइंट जीरो टू फाइव मीटर्स डिवाइड बाई थाउजेंड करेंगे राइट right? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना उसमें थाउजेंड से ही डिवाइड कर अपने नीड टू पुट 0.025 पॉइंट जीरो टू फाइव ओनली सो टाव इक्वल्स टू म्यू की टाउव एट वाई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव क्या आएगा म्यू इज ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट इंटू थर्टी माइनस फोर हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए पॉइंट जीरो टू सॉरी हाँ पॉइंट ज़ीरो टू फाइव इंटू फोर हंड्रेड ये हो गया और थर्टी माइनस ये आंसर इन टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट ये लगभग आपका आंसर आ रहा है दिस इज एट वाई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मीटर्स उस पर आपका आंसर है जीरो पॉइंट नाइन्टी सिक्स मतलब कि जो यहाँ पे लेयर होगी एक फ्लूड की जिस, 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 जिसका डिस्टेंस आपका है ट्वेंटी फाइव एम mm. एम वहाँ पर शेयर कितना बन रहा है ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स पास का इसको हम बोल देते टाउन टू फॉर एग्जाम्पल टाउन टू बोल देते ठीक है यहाँ पे क्या बन रहा था आपका शीयर स्ट्रेस ग्राउंड लेवल पे जीरो वन पॉइंट फोर फोर पास का अब हमें और कहाँ पे चाहिए एक y इक्वल टू फिफ्टी पे चाहिए सपोज़ ये आपका फिफ्टी एम mm पे और एक आपको चाहिए y इक्वल टू सेवेंटी फाइव पे दोनों बाकी चेक कर लेते क्या होगा ठीक है तो मैं ऊपर वाला थोड़ा रब कर देता हूँ इसको फाइंड करने के लिए या इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले को दो आंसर तो मुझे मिल गए ऑलरेडी आई रब दिस पोर्शन ओके okay. ओके, okay. अब क्या चाहिए मुझे वाई इक्वल्स टू फिफ्टी एम एम पर ये हो जाएगा फिफ्टी एम एम मतलब टेन द पावर थ्री से डिवाइड करो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर पे क्या होगा आंसर म्यू इज़ जीरो पॉइंट जीरो फोर एट थर्टी माइनस फोर हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ये आपका आंसर आएगा इंटू फोर हंड्रेड ये आपका आ रहा है जीरो पॉइंट फोर्टी एट पास्कल जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर पर यह आंसर नंबर थ्री है आपका तो यहां पे कितना आया जीरो पॉइंट फोर्टी एट पास कर ठीक है एंड फाइनली यू वॉन्ट एड टाउ इक्वल्स टू वाईक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव मीटर्स पे क्योंकि सेवेंटी फाइव में पे चाहिए आपको तो ये क्या आंसर आएगा आपका इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फोर एट थर्टी माइनस फोर हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव ये आपका आंसर आ रहा है जीरो टाउ इज जीरो पॉइंट इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो 75 मीटर जो है वहाँ पर शी एस आपका ज़ीरो है यहाँ पे आपका ज़ीरो पास कर लें समझ में आया तो आपके जो अलग अलग अभी तक के जो न्यूमेरिकल देखे तो अलग अलग लेवल पे आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सेम आ रही थी बिकॉज आपका वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर था अब इस न्यूमेरिकल ऐसा एक हुआ कि यहाँ पे लीनियर प्रोफाइल नहीं है कुछ और प्रोफाइल दिया हुआ है नॉन लीनियर और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग बदल गई क्यों क्योंकि आपका डी यू बाई अलग अलग लेवल पर चेंज हो गया तो कभी भी आगे एग्जाम में आपको प्रोफाइल दे रखी है ना तो आप हमेशा डी यू बाई पहले कैलकुलेट कर लीजिए उसको एक क्वेश्चन में लगा दीजिए और फिर जहाँ पर भी वाई आ रहा है ना तो जो भी वाई पे आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पे वाई में मीटर में डाल करके आप फाइंड कर लीजिए ठीक है लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके टू लार्ज प्लेन सर्फेसिस आर टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर अपार्ट द स्पेस बिटवीन द सर्फेसिस इज फिल्ड विद ग्लिस क्या दिया हुआ है आपको यहां पर अगर आप चेक करेंगे यहां पर अगर चेक करेंगे मेरे को दिया हुआ कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर और मुझे दिया हुआ है ग्लिसरीन फ्लूड वॉट इज द फोर्स रिक्वायर टू ड्रैक द वेरी थीन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेसिज एट अ स्पीड ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड इफ नंबर वन द थीन प्लेट इज इन द मिडिल ऑफ द टू प्लेन सर्फेसिज एंड नंबर टू द थीन प्लेट इज एट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द टेक टेकल टू बी जीरो पॉइंट एट वन अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया होगा कि पहले तो बहुत बड़ी दो सरफेस दे रखी है आपको तो आप कह सकते हो कि मेरे पास अगर मतलब दो सरफेस बहुत बड़ी है जिसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ मुझे 2.4 तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ लेट्स से आई हैव वन सरफेस सॉरी आई हैव वन सरफेस अब सब लोग ध्यान देना बिकॉज न्यूमेरिकल जो है ना वो इतना कन्वेंशनल वाला नहीं है थोड़ा ट्रिक है ये आपकी सरफेस एक है एक यहाँ पे सरफेस आपकी है ये दोनों प्लेन सरफेस है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको ओवरऑल वो कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच में पूरा ग्लिसरीन भरा हुआ है अब दोनों ही प्लेट फिक्स्ड है कोई भी प्लेट मूव नहीं कर रही है सच ये भी फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है, है। मूव क्या कर रहा है एक थीन प्लेट है जिसका सर्फेस पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर है तो मैं थीन प्लेट ड्रॉ करूंगा बीच में एक थीन प्लेट मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरी थीन प्लेट है बहुत थीन है इसकी थिकनेस बहुत ही मिनिमल जैसी है बट इसका एरिया जो है ये प्लेट है इसका एरिया ऊपर वाला या नीचे वाला कितना है पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर इसको मुझे खींचना है आपको वेलोसिटी वी दिया हुआ है कि वेलोसिटी वी से मुझे खींचना है पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड तो खींचने के लिए मुझे कितना फोर्स लगेगा आई हैव टू फाइंड द फोर्स यहाँ पे देखिए वॉट इज द फोर्स क्वायर ड्रैग बट यहाँ पर अगर चेक करेंगे दो प्लेट फिक्स है पूरा ग्लेसिल भरा हुआ है इसको खींचने के लिए आपको फोर्स कितना आएगा वो फाइंड करना है तो पहले केस में आपको बोला हुआ है कि प्लेट जो है वो मिडिल ऑफ दी सरफेस था पहले हम लोग केस वन लेके चलते हैं कि इन फर्स्ट केस लेटमी अज्यूम दैट इज केस वन प्लेट इज इन द मिडल प्लेट इज लोकेटेड एट द मिड वे लोकेटेड इन सेंटर मतलब बीच में सेंटर में मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए आपका एल वन है और ये आपका मान लीजिए एल टू है तो एल L2 एल टू इक्वल होगा कितना होगा अगर टोटल 2.4 है तो वी कैन से एल वन टू बी वन पॉइंट टू एंड एल टू भी आपका 1.2 है कह सकते हैं ये 1.2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 1.2 सेंटीमीटर ठीक है अब यहां पर पूछा है कि फोर्स अब यहां पे देखिए मैं लॉजिक समझा रहा हूं पहले तो जब भी मुझे इस प्लेट को खींचना होगा एक पर्टिकुलर फोर्स से तो यहां पर ये यह प्लेट जो है ना दो सर दोनों साइड फ्लूड के कॉन्टेक्ट में है अभी तक न्यूमेरिकल में हमने देखा था एक ही प्लेट मूव कर रही है तो आपकी प्लेट एक ही तरफ फ्लूड के कॉन्टेक्ट में थी ऊपर तो कुछ फ्लूड था ही नहीं तो जो भी फोर्स आप खींच रहे थे वो कितना देना पड़ रहा था जितना आपने एक फ्लूड ने रेजिस्ट किया उतना ही देना पड़ रहा था अब यहां पर जो फोर्स लगाओगे वो आपको ये खींचना पड़ेगा कि जो दोनों फ्लूड जो टोटल रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है उन दोनों को कंबाइंड जब करेंगे ना तो आपका एक टोटल फोर्स बनेगा उतना खींचना पड़ेगा तो अपन अभी मान के चलते हैं कि यहां पर जो फोर्स लगेगा कंट्रीब्यूशन बाई दिस लोअर साइड सेकेंड हाफ तो उसको बोलेंगे एफ टू और यहां पर जो कंट्रीब्यूशन लगेगा उसको बोलते हैं एफ वन क्योंकि दोनों साइड में आपके फ्लूड टच में ऊपर भी और नीचे भी ठीक है अब एफ वन एफ टू पहले इंडिविजुअली फाइन करते हैं तो एफ क्या हो जाएगा एफ विल भी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू तो पहले ये देखेंगे कि ये प्लेट को अगर ऊपर का फ्लूड जो है उसके ऊपर भरा हुआ उसका कंट्रीब्यूशन कितना है रेजिस्टेंस में और नीचे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है रेजिस्टेंस में तो जो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा दोनों को ऐड कर लेंगे तो मुझे फोर्स एफ मिल जाएगा अब कैसे अब यहाँ पे देखिए मैं अगर वेलोसिटी प्रोफाइल भी ड्रॉ करूं ना तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस ऊपर मैं अगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये फ्लूइड के अलग अलग लेवल पर वेलोसिटी अगर ड्रॉ करता है तो यहां पर तो आपका वेलोसिटी वी होगा पूरा यहां पर जीरो होगा तो आपका प्रोफाइल ऐसा कुछ होगा ठीक है अगर नीचे आप ड्रॉ करोगे प्रोफाइल तो ऐसा कुछ आएगा यहां पर तो v ही होगा एज इट इज यहाँ पर जीरो होगा ये भी लीनियर जाएगा तो दोनों क्योंकि f1 f2 निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकाल करके आपको ऐड करना पड़ेगा लेट अस सी सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द गिवन डेटा हम क्या करेंगे मुझे l दे रखा है 2.4 पॉइंट बट हमें इस l से मतलब नहीं इस L से मतलब है तो L1 मेरा क्या आएगा 1.2 सेंटीमीटर तो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्योंकि हंड्रेड आपको डिवाइड करना जीरो पॉइंट जीरो वन टू इनफैक्ट जीरो पॉइंट जीरो वन टू ठीक है एल uh, टू भी मेरा जीरो पॉइंट जीरो वन टू आएगा फ्लूड का विश्व दोनों तरफ आपका ग्लिसरीन नहीं है तो म्यू कितना होगा जीरो पॉइंट एट वन जो दे रखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और क्या दे रखा है वेलोसिटी वी भी दोनों तरफ सेम ही है 0.6 मीटर पर सेकंड और कुछ एरिया ऑफ द सरफेस प्लेन दोनों तरफ सेम है 0.5 मीटर स्क्वायर और कुछ सो दैट्स इट अब क्या करेंगे हम लोग पहले एफ वन फाइन करते हैं एफ वन क्या होगा मेरा एफ वन के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा टाउ वन कितना है शीयर स्ट्रेस ऑन द अपर हाफ तो टाउ वन इज इक्वल्स टू म्यू

जीरो पॉइंट एटी वन वी कितना है वेलोसिटी जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट एल वन कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन टू कैन यू फाइंड एफ वन वट इज द आंसर लेट चेक पॉइंट एट वन पॉइंट इंटू इसको भी यहाँ लेके जाऊंगा पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो वन टू एफ वन आएगा आपका ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव न्यूटन्स तो आपको इतना पता पड़ा कि इस प्लेट का जो अपर हाफ का जो रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव न्यूटन्स का ठीक है अब हम बात करेंगे लोअर हाफ का तो टाउ टू क्या बन जाएगा मेरा टाउ टू विल बी इक्वल्स टू म्यू तो वही है वी भी वही है खाली एल की जगह पर एल टू बन जाएगा ठीक है एल टू मेरा क्या है अगेन वन पॉइंट टू टाउ टू को हम कह सकते हैं कि भाई एफ टू डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू म्यू इंटू वी वाई एल टू एफ टू मुझे पता नहीं है एरिया मेरा 0.5 है सेम है म्यू मेरा 0.81 है वी मेरा 0.6 है एल टू मेरा 0.012 है मतलब ये सेम ही इक्वेशन है तो इसमें एफ टू भी क्या निकलेगा 20 0.25 न्यूटन क्योंकि आपका प्लेट मिडवे में ही था तो लॉजिकली था कि भाई आ, दोनों तरफ का रेजिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि दोनों तरफ हाँ अगर अगर फ्विड आपका अलग अलग होता एक तरफ ग्लिसरीन एक तरफ ऑयल तो विस्कोसिटी बदलता तो आपका म्यू बदलता तो चेंजेस होता वैल्यूज में एफ की बट यहां पर सेम है तो हम क्या करेंगे टोटल रजिस्टिव फोर्स रिक्वायर्ड और टोटल रजिस्टेंट फोर्स एफ या तो फिर टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द प्लेट एफ इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू तो एफ वन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव प्लस ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव सो एफ इज इक्वल्स टू फोर्टी पॉइंट फाइव न्यूटन्स दिस इज फाइनल आंसर फॉर केस वन आंसर फॉर केस वन केस वन कौन सी पर आपकी प्लेट जो थी वो सेंटर में थी मिडिल में थी अब यहाँ पे कुछ और बोला हुआ सेकेंड केस में तो इतना समझ में है, पहला केस क्या था अब सेकेंड केस में खाली क्या करना है सेकेंड केस में तो खाली हम लोगों को प्लेट को ही डिलोकेट करना है बस और कुछ नहीं करना है तो इसको मैं वापिस से करता हूँ ओके okay, तो अब केस टू देखते हैं केस कि में कितना फोर्स जाएगा केस वन में तो कितना आया लगभग हमारा फोर्स का वैल्यू यहां पर केस वन में आई गॉट रेजिस्टिव फोर्स टू बी फोर्टी पॉइंट फाइव न्यूट्रंस का तो केस टू के लिए हमें प्लेट कहाँ रखी है पॉइंट एट सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द सरफ़ेस। तो मैं पहले तो ड्रॉ कर लेता हूँ पहली बड़ी सर्फेस हमारी एक ये थी दूसरी ये थी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका था टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू पॉइंट फोर ठीक है अब जो एक प्लेट है वो मिडिल में ना रह करके केस टू में वो थोड़ी नीचे है ऐसा मान के चलो और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.8 सेंटीमीटर का जो कि आपका L2 है और ये डिस्टेंस कितना बनेगा फिर थीनेस इंगलीजिबल मान के चलो ये 2.4 सेंटीमीटर है ये 0.8 है तो ये कितना बनना चाहिए 2.4 पॉइंट फोर माइनस पॉइंट एट ये हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर L1 अब क्या करो वापस से आपको चेक करना है कि टोटल फोर्स कितना चाहिए होगा मुझे इसको मूव करने के लिए तो यहाँ पर मेरा F1 है रजिस्ट्री फोर्स ये आपका रजिस्ट्री फोर्स F2 बनेगा दोनों को इंडिविजुअली फाइन कर लो फिर ऐड करके F मिल जाएगा आपको तो अगेन आई विल कंटिन्यू विथ केस टू मुझे L1 की वैल्यू क्या दे रखी है L1 वन इज गिवन टू मी एज वन सेंटीमीटर दैट इज 0.016 मीटर एल टू मुझे दे रखा है जीरो पॉइंट एट सेंटीमीटर दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो एट मीटर्स म्यू मेरे पास ऑलरेडी है एंड uh, बस और तो कुछ नहीं चाहिए एरिया मुझे दे रखा है ऑलरेडी पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर का प्लेट का एरिया अब एफ वन फाइन कर लूँगा एफ वन के लिए मुझे टावन चाहिए होगा टाव वन इक्वल्स टू तो म्यू वी बाई एल वन टाव वन इज़ एफ वन बाई एक्वल्स टू म्यू वी बाई एल वन एफ़ वन नहीं पता है एरिया पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर है म्यू जीरो पॉइंट एटी वन है वी ज़ीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड है एंड एल वन इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन सिक्स फाइंड आउट द आंसर लेट मी कैलकुलेट दिस इज़ पॉइंट एटी वन इंटू पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट ज़ीरो वन सिक्स ये हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट वन एट फिफ्टीन पॉइंट वन एट न्यूटन्स इसी तरह से आप लोग एफ टू करें हम लोग एफ टू करेंगे दैट इज टाव टू इक्वल्स टू म्यू वी बाई एल टू टाव टू इज एफ टू डिवाइडेड बाई ए म्यू वी डिवाइडेड बाई एल टू एफ टू बाई जीरो पॉइंट फाइव एरिया इज जीरो पॉइंट फाइव टाव इज ज़ीरो पॉइंट एटी वन इज ज़ीरो पॉइंट सिक्स एल टू इज़ ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो एट अब यहां पर एल्टो तो बदल चुका है तो ये आंसर भी बदलेगा एफ टू सेम नहीं आएगा जो पहले क्वेश्चन में सेम आया था वो नहीं आएगा ठीक है दैट इज पॉइंट एटी वन इंट इंटू जीरो आ रहा है थर्टी पॉइंट थ्री सेवन न्यूटन अब एफ वन एफ टू इंडिविजुअल मिल गया मतलब ये प्लेट को ऊपर वाला फ्लूड जो है वो इतना न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है नीचे वाला फ्लूड जो है वो इतना न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है थर्टी न्यूटन का तो टोटल तो फोर्स जो अपने एक्सटर्नली जो लगा रहा है वो कितना होगा कि जो दोनों दे रहे हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं उतना बराबर एटलीस्ट होना चाहिए तो दैट इज टोटल फोर्स एफ विल बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू तो एफ इज इक्वल्स टू एफ वन क्या है फिफ्टीन पॉइंट प्लस एफ टू इज 30.37 तो फाइनल फोर्स फॉर केस टू इज 45.5, 15.18 प्लस लेट मी रीच वंस मोर 45.55 फाइव पॉइंट आप चेक करिए अब ये वैल्यू जो है वो चेंज हो चुके हैं दिस आंसर नंबर टू फाइनल आंसर फाइनल आंसर फॉर केस टू और ये कितना आया मेरा इस सेकेंड केस में मेरा एफ आया फोर्टी सॉरी 45.55 फाइव का ये देखो दे आर चेंज ठीक है तो जैसे आप प्लेट की लेंथ बदलोगे फोर्स बदल जाएगा आई होप की समझ में आ गया क्वेश्चन आपको और इस तरह के न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आपके आते हैं देन यू कैन इजिली सॉल्व दैट ठीक है थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास